एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। प्रीत तिवारी चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल को लगातार सपोर्ट किए जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत छोटी चीज़ है, जितना आप लोगों ने मेरे साथ मुझे सपोर्ट किया और प्यार दिखाया ताकि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे, मुझे इतना ही प्यार और सपोर्ट देंगे और मैं भी एक दिन बहुत ऊंचाई पे जा पाऊंगी आप लोग की हेल्प से, क्योंकि अकेले तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती आप लोग के सपोर्ट के बिना। तो जितना आप लोगों ने सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, और धन्यवाद छोटी चीज़ है बट धन्यवाद। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है सिलाई कोर्स, जिस पर मैं अपनी अमेजिंग सिलाई की वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ। सिलाई में जो बारीकियाँ होती हैं, जो आप लोग मिस्टेक करते हो, वो सारी लेकर आते रहती हूँ। तो वहाँ पे भी जाके सपोर्ट कर लीजिएगा, सिलाई कोर्स चैनल का नेम ही है। वहाँ पे मैं अमेजिंग ड्रेस डिजाइनिंग अपलोड करते रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैसी हाई बन बनाने के लिए अपने बालों को एक पोनी बनानी है, जो कि आपके क्राउन एरिया पे होनी चाहिए। क्राउन एरिया मतलब आपके जस्ट कान के ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पे एकदम हाई। ओके, अगर आपको पोनी बनाने में दिक्कत आती है तो आप बालों को थोड़ा सा सिर को ऐसे झुका लीजिए और फिर आप इजीली अपने बालों को मतलब हाई पोनी बना सकते हो अपने क्राउन एरिया पे। ओके, तो इस तरीके से कॉम कर लिया है और इसी तरीके से सिर झुकाए झुकाए ही आपको अपना रबर बैंड भी लगा लेना है। ओके, रबर बैंड लगाने के बाद से इसी तरीके से बालों को छोड़ देना है। देन आपको साइड साइड से, अगर आपको बालों को लूज करना है, थोड़ा सा बाउंसी दिखाना है, मैसी में थोड़ा सा हेयर इसी तरीके से होते हैं लूज से, तो आप इस तरीके से बालों को खींच लीजिए चारों तरफ से। ओके, इसके बाद से आपको क्या करना है, उसके बाद से एक डोनेट लेना है जिससे कि आपका बन बहुत ब्यूटीफुल सा लुक आएगा आपके बन का। तो इस तरीके से मैंने डोनेट लगा दिया है बालों में। आप चाहो तो इसको जूड़ा पिन से सेट भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। उसके बाद से जो आपके बाकी बचे हेयर हैं उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है इस तरीके से, और अच्छे से डोनेट के चारों तरफ फैला देना है कॉम करके। ओके, तो इतना तो आप कर ही लोगे अगर थोड़ी बहुत भी हेयर स्टाइल बनाने आती होगी तो। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली बालों को इस तरीके से यहाँ साइड से आप इस तरीके से लपेटते हुए लेके जाओगे। और आपका मैसी हाई बन कंप्लीट हो गया है और कितना प्यारा लुक आया है ये भी आप देख सकते हो। और बस सिंपली आपको एक दो जुड़ा पिन यहाँ पे ऐड कर देना है। लॉन्ग टूर पे जा रहे हो तो थोड़ा सा 3-4 जुड़ा पिन ऐड कर दीजिएगा ताकि हेयर आपका खुल ना जाए। तो कैसा लगा मेरा आइडिया ये हाई बन बनाने का, और हाई बन मैसी बन जो भी आप बोलो, और कितना प्यारा लग रहा है ये भी आप देख सकते हो। छोटे पतले बालों में इतना बड़ा हाई बन बना सकते हो आप, छोटे पतले बालों में इस तरीके का मैसी हाई बन हेयर स्टाइल और बड़ा सा हेयर स्टाइल। आप चाहो तो साइड से लेयर्स भी निकाल सकते हो इस तरीके से। मुझे लेयर्स अपने चेहरे पर काफ़ी पसंद है, आपको अगर ना पसंद हो तो आप स्किप कर सकते हो ये। तो ये हमारा हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया है। आई होप कि पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी इस तरीके की हेयर स्टाइल आइडियाज और हेयर स्टाइल्स, अमेजिंग हेयर स्टाइल्स देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय गाइज़।